लाइफ प्रोसेस का पार्ट फोर डिस्कस करते हैं। इसमें हम पहले रिकॉल कर लेते हैं डाइजेशन के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में आपको मिलेंगे टीथ और सलाइवा। सलाइवा यानी कि लार, पानी जो ऑलवेज प्रेजेंट होता है। तो टीथ का काम क्या होता है, वो खाने को तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और सलाइवा के साथ मिक्स होके वो खाना जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, और टंग उसको रोल करके धीरे से ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में डाल देती है। ये जो लंबा सा पाइप दिख रहा है आपको, दिस इज़ ईसोफेगस। अब ये जो खाना है वो है कहाँ एंटर करेगा, स्टमक में, पेट में एंटर करेगा। लेकिन इसमें एक मूवमेंट होती है, खाना जब फूड पाइप से आ रहा होता है वो कौन सी मूवमेंट होती है, पैरिस्टलेटिक मूवमेंट, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ फूड पाइप होता है। ठीक है, तो अब खाना कहाँ पर आ चुका है, स्टमक में आ चुका है। स्टमक में आने से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ स्पिंचर। स्पिंचर क्या होता है, स्पिंचर एक तरीके का दरवाज़ा होता है जो कि फूड पाइप और स्टमक के बीच में होता है, यानी कि यहाँ पर। अब जैसे फूड पाइप के अंदर खाना आ गया, तो कितना अमाउंट ऑफ जो खाना है वो अंदर आएगा स्टमक के अंदर, वो डिसाइड करता है ये गेट जिसका नाम है स्पिंचर। एक तरीके का गेट है ये, और वो कितना अमाउंट ऑफ खाना फूड पाइप से स्टमक के अंदर आएगा वो डिसाइड करता है स्पिंचर। तो यहाँ लिखा है कंट्रोल द रिलीज ऑफ फूड फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक। अब जो फूड है वो फूड पाइप से स्टमक के अंदर आ चुका है, तो स्टमक के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्टमक क्या होता है। स्टमक जो है वो वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का। तो एलिमेंट्री कैनल जो है वो माउथ से शुरू होती है और ख़त्म होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्टमक भी आएगा इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आती है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन भी आती है। तो ये सारी चीज़ें कवर होती हैं, और इसमें बता रखा है कि ये वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है। आगे बता रखा है कि इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड इज़ म्यूकस, एंड थर्ड इज़ डाइजेस्टिव एंजाइम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में अगर हम देखें तो वो सबसे डेंजरस एसिड है, अगर किसी की बॉडी पे गिर भी जाए ना तो वो बर्न हो सकता है, और बहुत गंदे तरीके से बर्न हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो सकता है। और वो एसिड हमारे पेट में होता है फिर भी हम फिट एंड फाइन होते हैं, क्यों, इसका भी रीज़न मैं बताऊँगी। तो इसका पीएच होता है 1.8 अराउंड। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जर्म्स को मार देता है, जितने भी जर्म्स खाने के ऊपर चिपक के हमारी बॉडी के अंदर चले गए हैं उनको किल करने का काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। यह हमारे पेट में एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, ठीक है, और एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। तो एंजाइम्स तब काम करेंगे जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना काम करना शुरू करता है, और एंजाइम्स की वजह से हमारा जो डाइजेशन है, जो हमारा पाचन है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को मारता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, और क्या करता है, जिसकी वजह से जो हमारी प्रक्रिया है डाइजेशन की वो फास्ट हो जाती है। सेकेंड है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस होता है बेसिकली एक तरीके का चिपचिपा पार्ट होता है, अगर आप अपनी नोज़ के अंदर अपनी फिंगर को डालेंगे तो वो एक तरीके का म्यूकस होता है। तो म्यूकस जो है वो स्टमक की लाइनों पे इस तरीके से एंड पे इकट्ठा हो जाता है, और कोने कोने पे, बाउंड्रीज पे। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमें, हमारा जो स्टमक है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाना, ये इसका काम है, ताकि हमारा पेट बर्न ना हो जाए, तो उससे प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। तीसरा है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसमें ये है कि जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं किसके अंदर, स्टमक के अंदर, और सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं। तो तीन चीज़ें हैं, फर्स्ट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि जर्म्स को मारता है और एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा डाइजेशन है उसकी प्रोसेस तेज हो जाती है। सेकेंड है म्यूकस जो कि हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है, और ये स्टमक की जितनी भी लेयर है, जितनी भी बाउंड्रीज है, उसको कवर कर लेता है। थर्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इससे हमने सीखा कि कुछ पार्ट ऑफ प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है, और वो डाइजेस्ट कहाँ पर होता है, वो डाइजेस्ट होता है स्टमक में, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें,
अब ये जो है इसमें बता रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें आप बताइए किस में टूटती हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक होता है कॉम्प्लेक्स, और वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में जो टूटती हैं चीज़ें वो कैसे होता है, तो प्रोटीन जो है वो हमेशा टूटेगा किस में, अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च किस में टूटता है, ग्लूकोस में। और जितने भी फैट्स हैं वो टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ किस में टूटती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूछा भी जा सकता है कि 1 मार्क MCQ में कि प्रोटीन बताओ किस में ब्रेक डाउन होता है, तो आप बताओगे अमीनो एसिड में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और आगे डाइजेशन में भी ये हेल्प होगा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो किस में टूटेगा, सिंपलर वंस में। और वो सिंपल चीज़ें क्या हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब बात कर लेते हैं लिवर की। लिवर जस्ट बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड होता है स्टमक के, और लार्जेस्ट ग्लैंड भी है हमारी बॉडी का। इसके अंदर जो है जूसेस सिक्रीट होते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर जो है ये जूसेस सिक्रीट करता है, ठीक है। और वो कौन से जूसेस होते हैं, वो होते हैं बाइल जूसेस। और बाइल जूसेस सिक्रीट होते हैं डियोडेनम, ये दिख रहा है आपको, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है वहाँ पर लिवर, लिवर के अंदर क्या है गॉल ब्लैडर, वो अपने जूसेस जो हैं वो डियोडेनम में सिक्रीट करता है, रिलीज करता है, ठीक है। और लिवर का क्या काम होता है, वो यूरिया बनाता है, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। बाइल जूसेस जो हैं वो कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं, वो होते हैं गॉल ब्लैडर में, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ यहाँ पर, यहाँ पर होते हैं बाइल जूसेस, ठीक है। अब बाइल जो है वो बेसिक इन नेचर है। बेसिकली हमने देखा था कि जो स्टमक है वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, बहुत ही डेंजरस एसिड है। तो उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए जो ये गॉल ब्लैडर है वो बेस रिलीज करता है, और एसिड और बेस जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता हमारी बॉडी में, ठीक है। तो अब बाइल जूसेस जो हैं वो क्या हैं, वो हैं बेसिक इन नेचर, जिसका पीएच 7 से 8 के अराउंड होता है। ये क्या करता है, यहाँ पर फैट जो हैं वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। आगे हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक और फंक्शन है विच इज़ यूरिया। यूरिया क्या है, यूरिया डिस्ट्रॉय करता है जितने भी रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल ख़राब हो चुके हैं या वो डिसफंक्शन करना शुरू कर रहे हैं, ढंग से प्रॉपरली फंक्शंस नहीं करते हैं, वो सारे के सारे कहाँ पर बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लिवर के अंदर, ठीक है। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे विच इज़ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो एक लीफ लाइक होता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, दिस इज़ पैनक्रियाज, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ये पैनक्रियाटिक जूसेस निकालता है, जो कि दो चीज़ों को डाइजेशन में हेल्प करती है, एक तो प्रोटीन और एक फैट्स। तो कौन कौन से इंजाइम्स होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लीपेज। तो ट्रिप्सिन इंजाइम जो है वो वर्क करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, और लिपेज इंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करता है फैट्स को। अब यहाँ पर एक चीज़ है, व्हाट इज़ इंसुलिन। इंसुलिन जो है बेसिकली वो सिक्रीट होता है पैनक्रियाज के द्वारा। अब इंसुलिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी में, बिकॉज अगर प्रॉपर मात्रा में वो रिलीज़ ना हो तो इंसान को शुगर हो सकती है, ठीक है। तो इंसुलिन का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसुलिन सिक्रीट होता रहेगा तो इंसान जो है उसे शुगर नहीं होगी, ठीक है। और शुगर में आप लोगों को पता है कि वो बीमारी बहुत ही ज़्यादा ख़राब बीमारी है, ठीक है, और उसके साथ डील करना, इसके लिए इंसुलिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब जो फूड है वो एंटर कर चुका है डियोडेनम में, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है। तो ये क्या करता है, ये डियोडेनम सिक्रीट्स इंटेस्टिनल जूसेस, ठीक है। तो डियोडेनम जो है वो इंटेस्टिनल जूसेस वहाँ पर सिक्रीट होते हैं, जो कि दो चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट्स जब ब्रेक डाउन होगा सिंपलर सब्सटेंस में तो किस में कन्वर्ट होता है,
ग्लूकोज, और जो प्रोटीन है जब वो सिंपल चीज़ों में टूटेगा तो वो कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि डियोडिनम से अब जो हमारा फूड है वो एंटर कर चुका है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो अंदर का पार्ट आपको दिख रहा है विच इज़ येल्लो एंड ऑरेंज कलर, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पर इस तरीके से विली लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, फूड जो है वो ट्रैवल करता है इस तरीके से। अब जब फूड ट्रैवल करता है तो ये आपको रेड ग्रीन और ये जो दिख रही है ये नर्व्स हैं जिनको हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। तो इसके अंदर जितने भी फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं, जितना भी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन जो भी है वो सब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उनको भेज दिया जाता है ब्लड में। और जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और सर्कुलेट होने के बाद जितने भी हमारे सेल हैं वो एनर्जी लेते हैं। तो ये जो विली है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर्स की तरह होती हैं, जिसमें से जितना भी फूड है वो किसके अंदर जाएगा, ब्लड कैपिलरीज यानी कि नसों के अंदर, और जो ब्लड है वो उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देगा, सेल के पास ले जाएगा और सेल उससे एनर्जी लेंगे और फिर हमारे सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। तो जो जितना भी अब्सॉर्प्शन का काम है वो कौन करता है, वो करता है विली। ठीक है, तो विली के बारे में पढ़ लेते हैं। विली इज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर्स की तरह होती हैं, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड। तो वो क्या काम कर रही हैं कि फूड जो है वो रक्त के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर मिक्स हो जाए उसका काम करती हैं, और जितना भी फूड होता है वो सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब जो है बचा हमारा पार्ट विच इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, अब खाना जो है वो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है फ्रॉम दिस पार्ट। ठीक है, दिस पार्ट जो खाना है वो एंटर कर चुका है लार्ज इंटेस्टाइन में। और काम क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर। ठीक है, इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना नहीं बचा है ठीक है उसमें से वो सारा पानी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो जो खाना है वो ट्रैवल करता हुआ आ जाएगा रेक्टम में। रेक्टम में कुछ टाइम के लिए स्टोर होगा खाना, जितना भी वेस्ट है हमारा, और फिर इसके नीचे होता है एनस, और एनस के थ्रू वो सारा खाना बाहर निकल जाता है। आप सब लोग वॉशरूम जाते होंगे तो वहाँ से हमारा सारा का सारा खाना एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है कि किस तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेशन होती है। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, तो सबसे पहले खाना हमारे माउथ में गया, हमारे टीथ ने उसको क्रश करा, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा, उसके ऊपर फिर मिक्स हुआ सलाइवा, सलाइवा से हमारा खाना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया और फूड पाइप के थ्रू वो नीचे आया, और स्टमक में आने के बाद उस पर तीन चीज़ों ने वर्क करा। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसने डाइजेशन में हेल्प करी, और क्या डाइजेशन कराया, उसने सारे जर्म्स को मार दिया ठीक है और एंजाइम्स को एक्टिव कर दिया। फिर म्यूकस ने क्या करा, एक लेयर बना ली ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक की वॉल को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। फिर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उन्होंने प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करी। फिर हमारा फूड मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट सारा खाना एब्जॉर्ब हो गया, और एब्जॉर्प्शन में किसने मदद करी, विली ने। विली कैसी होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और उनको नसों में भेजा खाने को और खाना पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया, और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड था वो मूव करा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन ने उसमें से जितना भी पानी था उसको एब्जॉर्ब करा, और फिर जितना भी वेस्ट था उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो गाइस यहीं पे डाइजेशन ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। प्लस जो इसके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं जल्दी आपको दे दूँगी। थैंक यू।